गांधी जयंती तोड़ी जा रही है बापू से जुड़ी यादें। जिस जगह राष्ट्रपिता ने फहराया था स्वराज ध्वज, आज खत्म किया जा रहा है उस स्थान को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इस दिन पूरे देश में गांधी जी को याद करते हुए कई कार्यक्रम होते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादों को मिटाने का काम राज्य सरकार और जिला प्रशासन कर रहा है। जबलपुर जिला पंचायत ऑफिस, जो कि पहले जिला परिषद कहलाता था, वहां पर सरकार और जिला प्रशासन महात्मा गांधी की ऐतिहासिक यादों से भरी इमारत को तोड़ने का काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने गांधी जी की यादों से भरे भवन को तोड़कर इसमें कई मंजिला भवन बनाने की स्वीकृति दी है। दरअसल दिसंबर 1933 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब जबलपुर आए थे, उस दौरान उन्होंने संभवतः पहली बार स्वराज ध्वज को जबलपुर जिला पंचायत, जो कि उस समय जिला परिषद के नाम पर पहचाना जाता था, वहां फहराया था। प्रशासन आज गांधी जी की यादों को मिटाकर उस पर 5 मंजिला इमारत बना रही है। सरकार के इस निर्णय का विरोध होना भी शुरू हो गया है। जबलपुर के विरासतविद डॉक्टर अनूप सिन्हा ने मांग की है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी यादों को मिटाकर सरकार ठीक नहीं कर रही है। डॉक्टर अनुपम सिन्हा ने कहा कि ये हमारा वो अतीत है जिसे संजो कर रखने की जरूरत है। आजादी से पहले अविभाजित भारत में 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पहली बार तिरंगा झंडा कराची में फहराया था। उस समय ये ध्वज अशोक चक्र के साथ न होकर चरखा में रहा करता था। वहीं हरिजन यात्रा के दौरान सन 1933 में महात्मा गांधी जबलपुर आए थे। उस दौरान वह जबलपुर पैतृक भवन व्यवहार निवास पैलेस में रुके थे, जो कि हनुमान ताल वार्ड में है। उन्होंने जबलपुर जिला परिषद, जिसे कि अब जिला पंचायत कहा जाता है, वहां पर स्वराज ध्वज फहराया था। भवन में कुछ देर के लिए महात्मा गांधी रुके भी थे। राष्ट्रपिता की यादों से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों की यह दुर्दशा को देखकर आज बापू के चाहने वाले दुखी हैं। विरासतविद डॉक्टर अनुपम सिन्हा ने बताया कि 1931 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया था। पहले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में चरखा था, लेकिन बाद में उसमें अशोक चक्र आ गया। कराची में इस ध्वज को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार फहराया था। इसके बाद 1933 में महात्मा गांधी हरिजन यात्रा में पहली बार जबलपुर आए थे, तो उस दौरान जबलपुर में उनकी यात्रा को पूरी रूप रेखा व्यवहार राजेंद्र सिन्हा ने तैयार की थी। प्रवास के समय महात्मा गांधी जबलपुर में 1 सप्ताह तक रुके थे। पहली बार स्वराज ध्वज जबलपुर के जिला परिषद कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि वर्तमान में जिला पंचायत ऑफिस है, वहां पर फहराया जाएगा। महात्मा गांधी ने जिला परिषद में जो झंडा फहराया था, उसी राजरानी देवी ने अपने हाथों से बनाया था। यह झंडा पूरी तरह से खादी से बनाया गया था। ऐतिहासिक क्षण था वह समय जब महात्मा गांधी ने स्वराज को इस बिल्डिंग में फहराया था। डॉक्टर अनुपम सिन्हा ने बताया कि जब वह छोटे थे तो अपने दादा व्यवहार राजेंद्र सिन्हा के साथ अक्सर ध्वजारोहण के समय जिला परिषद कार्यालय जाया करते थे। कई बार यह चर्चा की गई है कि इस बिल्डिंग का संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि यह ऐतिहासिक धरोहर है। व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का सपना था कि जिला परिषद कार्यालय में महात्मा गांधी जी का एक स्मारक बनवाया जाए, लेकिन उनके जीते जी नहीं हुआ। 2006 में गांधी स्तंभ यहाँ पर बनवाया गया, जिस जगह पर महात्मा गांधी ने झंडा फहराया था, वह स्थान आज भी मौजूद है। इस भवन को आज सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा गिराकर नई बिल्डिंग तैयार की जा रही है। राष्ट्रपिता को मानने वाले लोग आज दुखी हैं कि उनकी जयंती में जिला प्रशासन उनकी यादों को मिटाने का काम कर रहा है। डॉक्टर अनुपम सिन्हा ने बताया कि जबलपुर का जिला परिषद कार्यालय, जिसे कि आज जिला पंचायत के नाम से जाना जाता है, यह बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। आज जरूरत है कि इस बिल्डिंग को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित किया जाए। यह हमारे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय भी है, साथ ही भविष्य की पीढ़ियों को यह बताया भी जा सकता है कि यहाँ पर गांधी जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और उनकी यादें प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनुपम सिन्हा को जब पता चला कि भवन को तोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से बात भी की, लेकिन प्रशासन ने बिल्डिंग को तोड़ना जारी रखा। डॉक्टर अनुपम ने मांग की है कि इसकी जांच होना चाहिए कि किसने आदेश दिया कि ऐतिहासिक धरोहर को तोड़ा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अभी तक किसका रिकॉर्ड नहीं था, तो फिर इस रिकॉर्ड को तलाश कर इस भवन को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित करना चाहिए।
2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, लिहाजा ऐसे में उनकी यादों से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों को जिस तरह से जिला प्रशासन मिटाने का काम कर रहा है तो उसको लेकर गांधी जी को मानने वाले लोगों में खासा विरोध है। डॉक्टर अनुपम सिन्हा के द्वारा दी गई जानकारी को लेकर जब हमने जिला पंचायत CEO जयती सिंह से बात की तो उनका कहना था कि यह पूरा काम हाउसिंग बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है, विस्तृत जानकारी वहां से ही मिल सकती है। इस मामले में संभाग कमिश्नर अभय वर्मा का कहना है कि जब तक फाइल नहीं देख ली जाती तब तक इसमें कुछ कहना सही नहीं होगा और अधिक जानकारी के लिए आप जिला पंचायत CEO से बात कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।